जो हमारे बड़े शहर हैं उस शहरों को पहले चरण में हम लोगों ने पीपीपी मॉडल पर लिया है, उसकी सूची आप सबको प्राप्त हो जाएगी, जिसमें लखनऊ के 2 बस अड्डे हैं, आगरा के 2 हैं, प्रयाग के 2 हैं, बनारस के 1 हैं, गोरखपुर के हैं, इस तरह से 23 जो है कानपुर के हैं। तो 23 बड़े शहरों के जो हमारे बस अड्डे हैं उसको हवाई अड्डा के तर्ज पर बनाने की स्वीकृति आज जो है कैबिनेट ने स्वीकृत किया है, और उसमें हर तरह की सुविधाएं होंगी। उसमें जो हमारे यात्री आएंगे उनको ठहरने की व्यवस्था भी रहेगी, होटल भी रहेगा, अच्छे रेस्टोरेंट भी रहेगा, वहां पर उनको सामान की खरीदारी के लिए वहां पर मॉल भी होगा। और जो जिस तरह से हवाई अड्डों पर वहां अच्छे प्रकार के शौचालय, लोगों को बैठने के लिए अच्छी जो है सुविधाएं, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था रहेगी, पानी पीने से लेकर के सभी चीजों को जो आधुनिक जो भी व्यवस्थाएं हैं सभी इस बस अड्डों पर सुसज्जित रहेंगी। तो ये हम प्रदेश के सभी 75 जिलों में करने वाले हैं। ये प्रथम फेज में 23 जो हमारे बड़े शहर हैं उसको लिया गया है, अब स्वीकृति आज प्राप्त हो गई है, अब इसको हम तुरंत जो है इसको टेंडर अपलोड कर देंगे और सभी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के समाचार पत्रों में भी इसको जो है प्रदर्शित किया जाएगा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण काम आज मंत्रिपरिषद से हम को स्वीकृति प्राप्त हुई है, वो है स्क्रैप पॉलिसी। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही ये एक महत्वपूर्ण उसमें है, और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने स्क्रैप पॉलिसी की अभी कैबिनेट से स्वीकृति लिया है। और अब पहले क्या होता था कि कोई भी स्क्रैप का काम करता था, बहुत सारे उसमें कई प्रकार की जो है जटिलताएं थी, बहुत सारे दिक्कतें थी, आए दिन पुलिस और ये सब चीजों को भी आता था कि गाड़ियां जो है चोरी की गाड़ियां कट रही है। तो अब जो जो हमारे स्क्रैप लाइसेंसधारी होंगे वही अब इस तरह के काम को कर पाएंगे। जो हमारे गाड़ियां होंगी उसमें आज जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण फैसला हुआ है अभी कि जो कमर्शियल वाहन है उसको हम यदि स्क्रैप कोई कराएगा तो हम उसको 15% उसके टैक्स में हम जो है छूट देंगे। और इसी तरह से जो हमारे प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उसको भी हम 10% जो है उसको उसके टैक्स में छूट हम प्रदान करेंगे उनको प्रोत्साहन के लिए कि वो जो पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करके नई गाड़ियां लाए तो पोल्यूशन का जो है उससे बहुत बड़ा कंट्रोल होगा। क्योंकि जो पुरानी गाड़ियां जो जो अब जो 10 साल की गाड़ी है उस जितनी 100% यदि पोल्यूशन वो करती है तो यदि नई गाड़ी हम लेते हैं तो 0% पर आता है, तो उसे पोल्यूशन के लिए भी एक महत्वपूर्ण होगा। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें रही है, अभी महिंद्रा को मारुति को ऐसे 6 जो है अभी लाइसेंस हमने जारी किया है और अभी 5 हमारे विचाराधीन है। तो और भी मैं हर जिले में मैं चाहता हूँ कि एक एक कम से कम जो हमारे स्क्रैप के मैंने सेंटर हो, तो ये भी आज स्वीकृति प्राप्त हुई है, इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा और पोल्यूशन फ्री होने में भी इसका एक मदद मिलेगा। तीसरा हमारा एक है अभी जल परिवहन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 12 तारीख को पिछले दिनों में बनारस से लेकर के और हल्दिया तक के जो जल परिवहन दोनों प्रकार के उसमें माल वाहन भी और यात्री वाहन भी
ये दोनों को उन्होंने उद्घाटन किया था। उसके बाद उसमें हम लोग पर्यटन का भी कर रहे हैं कि मैं जो एक कोचिन की कंपनी से समझौता हुआ है कि वो पर्यटन के भी कुछ लोग जाएंगे, जैसे पटना जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, तो उसी में खाने पीने रहने की बाकी सब व्यवस्थाएं, सब चीज़ें आधुनिक रहेगी, तो एक पर्यटन से भी उसको जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 15 गेटी हम लोग बना रहे हैं, मैंने बनारस से लेके और बलिया तक जो है 15 जेटी जो है वहाँ, तो एक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, सस्ते में लोग यात्रा कर पाएंगे क्योंकि वो बड़ी बड़ी होती है, उसमें जो है सस्ते में यात्रा होगा। दूसरा जो हमारे किसान हैं जो अभी उनके माल को एयरपोर्ट तक या मैंने एक हम लोग आपके चंदौली में एक ऐसा एक जेटी बन रही है जहाँ पे एयरपोर्ट, रेलवे और मैंने अपने बस परिवहन ये सभी या अपने माल परिवहन ये तीनों को ज्वाइंट रहेगा। वहाँ से अपने कोई किसान सामान जो है यदि विदेश भेजना चाहता है तो हवाई अड्डा से चाहेगा या देश के और किसी कोने में तो अपने जो मुगल सराय स्टेशन वहाँ पर नजदीक है वहाँ के थ्रू जाएगा या वहाँ ट्रकों के लिए भी एक अलग उसमें व्यवस्था रहेगी। उसमें अभी 1.10 हेक्टेयर जमीन सिंचाई विभाग की आ रही थी चंदौली में जहाँ इसका पूरा सेंटर बन रहा है, तो उसको भी क्योंकि तो परिवहन विभाग इसको लीड कर रहा है तो सिंचाई विभाग ने स्वीकृति दे दिया, तो वो भी हम लोग जो राष्ट्रीय जल प्राधिकरण है उसको हम लोग स्थानांतरित कर देंगे उस जमीन को, और उसका पैसा जो भी एक सरकारी होता है वो 3,33,00,000 रुपया वो भी हम सिंचाई विभाग को दे देंगे। ये तीन प्रस्ताव मेरे थे और बाकी तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं बाकी के लिए। अगला प्रस्ताव मेडिकल कॉलेज से संबंधित था, इसमें अवैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी, गोंडा, चंदौली, पीलीभीत, बुलंदशहर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, इन जिला अस्पतालों से संबद्ध होते हुए मेडिकल कॉलेजेस की रचना की बात सरकार ने मंजूर किया हुआ है। प्रस्ताव आज के कैबिनेट के समक्ष ये था कि ये जो जिला अस्पताल थे इनकी जो परिसंपत्तियां थी या स्टाफ था वो चल और अचल दोनों ही संपत्तियां मेडिकल कॉलेजेस के नाम पर हस्तांतरित कर दिया जाए और इसे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग थी उसमें मंजूर किया गया। मैंने गिना तो दिया आपको, एक बार फिर बता देता हूँ, स्टाफ और बाकी परिसंपत्तियां भी। इसमें जिला चिकित्सालय अमेठी है, जिला चिकित्सालय औरैया है, जिला चिकित्सालय कानपुर देहात है, कुशीनगर है, कौशाम्बी है, गोंडा है, चंदौली, पीलीभीत है, बुलंदशहर है, बिजनौर है, खीरी है, लखीमपुर खीरी, ललितपुर है, सुल्तानपुर है, सोनभद्र है। इस प्रकार कुछ 14 जगहें होती हैं जिनकी स्टाफ, चल और अचल संपत्ति प्लस स्टाफ सब कुछ मेडिकल कॉलेजेस को ट्रांसफर किया जाएगा। राम मनोहर लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में 10वें माड़ पर कुछ मल्टीपर्पज चीजें बनाने के एक प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दिया है, जिसमें एकेडमिक ब्लॉक का 10वां भाग 10वां तल है जिसमें मल्टीपर्पज हॉल, लेक्चर थिएटर, कैफेटेरिया आदि की अतिरिक्त सुविधा विकसित करने के लिए 10.22 करोड़ रुपए की के अनुमानित खर्च के साथ एक प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया है। गोरखपुर में औद्योगिक विकास से संबंधित भवनों के निर्माण को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए उसकी एक भवन नियमावली प्रख्यापित की गई है जिसके चलते भवनों के निर्माण और उस पूरे एरिया में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसको अच्छे ढंग से रेगुलेट किया जा सकेगा। एक मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना जो हथकरघा विभाग की थी वो उसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। इसमें प्रस्ताव यह है
कि 5 किलोवाट से ज्यादा का उपयोग करने वाले लगभग 12,486 बुनकरों के विद्युत कनेक्शन है, उनको चिन्हित किया गया है। 5 किलोवाट से जिनकी ज्यादा खपत होती है उन लोगों को मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना, सौर ऊर्जा योजना के तहत सहायता देने का प्रस्ताव है, जिसमें सामान्य रूप से जो सौर ऊर्जा का संयंत्र कोई लगाएगा तो उसको 50% सब्सिडी देने का शासकीय अनुदान देने की बात कही गई है। और इसको यूपी नेडा, जिस जो हमारे ऊर्जा विभाग की संस्था है, वो इसका नोडल कार्य करेगी, कार्यदायी संस्था होगी। और जहां अनुसूचित जाति जनजाति के बुनकर हैं उनको 75% अनुदान दिया जाएगा। शेष जो 50% सामान्य केस में और अनुसूचित जाति जनजाति के केस में जो 25% का शेष भाग है पैसे का, उसे व्यक्ति अपने स्वयं के धन से अथवा तो ऋण लेकर के भी लगा सकता है। ये योजना 5 साल के लिए लागू रहेगी और ये बहुत ही अच्छी भविष्य की एक अच्छी योजना है, जिसका लाभ हमारे प्रदेश के सभी बुनकरों को मिलने की कोई कोई संभावना है। अयोध्या में हमारे नगर विकास विभाग का, या यूं कह लीजिए नगर निगम का, एक कार्यालय बनाने के लिए नजूल की जमीन आवंटित करने का एक प्रस्ताव आया था। इस जमीन की कीमत वैसे 20 करोड़ 21 लाख रुपए होती है और इसे नगर निगम को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। लगभग 10,000 वर्ग मीटर जमीन है, एग्जैक्टली इसका माप है 9,875 वर्ग मीटर। तो ये प्रस्ताव भी माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। जनपद उन्नाव में शहीद गुलाब सिंह लोधी प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता को 2 गुना किए जाने और उसमें आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के कार्यों की स्वीकृति माननीय मंत्रिपरिषद ने दिया है। पुलिस कर्मियों की उनके बेहतर रखरखाव के लिए, उनके बेहतर जीवन के लिए, इसमें आवासीय भी हैं अनावासीय भी हैं, और इसके होने से कुल व्यय जो है वो लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा कार्य होना है। एक पीडब्ल्यूडी का प्रस्ताव था जो मार्गों पे जो ये अपने फ्यूल स्टेशन वगैरह बनते हैं, पेट्रोल पंप और इस तरह की जो सुविधाएं खड़ी होती हैं, उसमें बहुत सारा इनको मार्ग पे है, इसलिए पीडब्ल्यूडी का मार्ग के हिसाब से एनओसी वगैरह लेने की बड़ी पुरानी व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं। तो उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दृष्टिगत उसके सरलीकरण करने के लिए काफी एक अच्छा प्रस्ताव आया था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। और उसमें एनओसी की जो बहुत दूरी तक एनओसी लेने की जो आवश्यकताएं थी उनको घटा करके कम दूरी की गई है। जो दिन बहुत ज्यादा लिखे हुए थे वहां दिन में भी कमी करने की ये काफी डिटेल में है इसका, मुझे लगता है प्रेस नोट आप ले लीजिएगा, बड़ा थोड़ा टेक्निकल भी है, बोलने से आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। जैसे स्टेट हाईवे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर अभी तक की जो व्यवस्था थी कि 100 मीटर की दूरी से लेना पड़ेगा, अब उसको लंबाई काफी कुछ इसमें टेक्निकल है, काफी देख लीजिएगा। नैमिषारण्य को टूरिज्म के विकास के दृष्टिगत नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के रूप में इसको परिवर्तित नोटिफाई किया जा रहा है। तो ये परिषद बनने से वहाँ के सुनियोजित विकास और वहाँ की समस्त प्रकार की जो सांस्कृतिक पारिस्थितिकी और स्थापत्य जो हमारी जो धरोहर